गैस आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जो कि एक क्वेश्चन पर है। क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस करना है वो है, कैन वी कॉल नोटबुक टू अ कॉपी? क्या आप नोटबुक को कॉपी बोल सकते हैं? क्या कॉपी वर्ड करेक्ट है या नोटबुक वर्ड करेक्ट है? ये आज के लेक्चर में हमने जो है वो तफसील से डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियोज जो है वो ईजिली मिल सके। चलो लेक्चर को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। गाइस ये दोनों वर्ड्स अक्सर क्लासरूम्स में टीचर्स यूज ज्यादातर करती है। टीचर्स को आपने अक्सर सुना होगा कि अक्सर यूज करती है क्लास में, स्टूडेंट्स प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स, स्टूडेंट्स प्लीज टेक आउट योर कॉपीज। अब कॉपी वर्ड करेक्ट है या नोटबुक करेक्ट है, ये आज के लेक्चर में जो है हमने डिस्कस करना है। चलिए गाइस नोटबुक से स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस नोटबुक इज ऑल्सो नोन एज नोट पैड, राइटिंग पैड और लीगल पैड के नाम से भी जो है वो जानी जाती है। बेसिकली नोटबुक इज अ बुक विथ लाइन और ब्लैंक पेपर फॉर राइटिंग डाउन इन्फॉर्मेशन। आपको ये जो है वो लाइनिंग फॉर्म में भी मिलेंगी, ब्लैंक पेपर में भी मिलेंगी, ठीक है। इसका पर्पज क्या है, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जब आप लिखना चाहते हैं तो आप नोटबुक में लिखेंगे। फाइन गाइस आप नोटबुक्स को पर्सनली, प्रोफेशनली और एजुकेशन पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। सपोज अगर आपको इंफॉर्मेशन जो है वो लिखना चाहते हैं तो आप इसको पर्सनली जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई शख्स जो है वो जॉब कर रहा है तो वो इसको प्रोफेशनली यूज कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज की जाती है, ठीक है। गाइस आज का हमारा क्वेश्चन था, कैन वी कॉल नोटबुक टू अ कॉपी? क्या आप नोटबुक को कॉपी बोल सकते हैं? नो, यू कांट यूज अ वर्ड कॉपी टू डिनोट अ नोटबुक। आप जो है वो नोटबुक जो है उसको कॉपी नहीं बोल सकते, ठीक है। आपने क्लास में कॉपी वर्ड नहीं बोलना, आपने वर्ड नोटबुक बोलना है, क्योंकि नोटबुक में आप जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और कॉपी में कॉपी करते हैं, यानी कॉपी में इमिटेशन होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको मेरा आज का लेक्चर जो है बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नॉलेज को स्प्रेड किया जा सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।